पर गौरव जी मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, रियलिटी शो बिग बॉस की मैं बात करूँ, आपका गेम मुझे काफी पर्सनली, मैं अभी भी वो लेवल का जो गौरव जी का गेम था आज भी मुझे अच्छा लगता है, बट गौरव जी उसके बाद मैंने कभी आपको बिग बॉस का नहीं देखा। बहुत सारे कंटेस्टेंट को आते जाते फिर से आते एज एन सीनियर, फिर से एक नया बिग बॉस का चालू होने वाला है सर, आपको सीनियर हम कभी भी देख पाएंगे एज अ गौरव फैंस? देखिए आपको एक बात सीधी सीधी बता देता हूँ, जिस सीज़न में मैं गया था वो सीज़न था जिसमें सबसे पहली बार कॉमनर्स को बुलाया गया। यस। उस सीज़न में सेलिब्रिटीज़ को इस्तेमाल करना था कॉमनर्स को जिताने के लिए, क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंट पहले साल फेल हो जाएगा तो वो कंटिन्यू नहीं हो सकता है। और एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू इसलिए करना चाहते थे क्योंकि दुनिया भर में जब बिग ब्रदर बनाया जाता है तो कॉमनर्स के साथ बनाया जाता है, बीच में कभी कभी कुछ सेलिब्रिटी सीज़न होते हैं, बट मोस्टली जो बिग ब्रदर सीजन्स दुनिया भर में चलते हैं वो नॉर्मल लोगों के साथ बनाए जाते हैं। अब हमारे देश में बहुत जनता है, उसमें बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत लड़ाई झगड़े मज़ेदार चीज़ें इंटरेक्शंस हो सकती हैं, उनको एक्चुअली सेलिब्रिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो कोशिश कर रहे थे कि बिग बॉस को हम एक नॉर्मल कॉमनर वाला शो बना देंगे, जिसके लिए पहली कोशिश हमारा वाला सीज़न था, और उस कोशिश में मैं कहीं उनकी रास्ते का पत्थर था शुरू से, क्योंकि अगर आप अंदर जाएं और पहले दिन दो टीम बना दी जाएं और एक टीम को कहा जाए इंडिया वाले, क्या मेरा पहली रात ही वो सवाल था कि हम श्रीलंका से आए हैं क्या, हम इंडिया वाले क्यों नहीं हैं? और ये वो सब वो लोग थे जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, तो कुछ एक ऐसा माहौल था वहाँ जिसके बारे में बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ इस बात से खुश हूँ कि मैं बिग बॉस जैसे शो में गया और मुझे उसके बाद से सिर्फ तारीफ ही सुनने को मिलती है। नॉर्मली लोग बिग बॉस जाते हैं तो गालियाँ सुनने को मिलती हैं, बट जो अपना वैल्यू सिस्टम, जो अपना बिहेवियर मैं रखना चाहता था वो मैं रख पाया। सो थैंक यू। गौरव जी क्या आपको लगता है अभी भी वेल डिजर्विंग थे उस किताब को हासिल करने के लिए? मैं अगर वो मुझे वो मिडिल ऑफ द वीक सरप्राइज एविक्शन नहीं करते जो उन्होंने किया, आई डोंट नो आप लोगों को याद है कि नहीं, बीच हफ्ते के बीच में गए थे सलमान साहब के साथ, नहीं गए, वो सरप्राइज एविक्शन नहीं होता तो फिर वो फंस जाते हैं ना, क्योंकि एंड में आप मेरे सामने किसी को कैसे जिताएंगे जब वो किसी भी पैमाने में बराबर ना हो। तो देखिए आपको जिताने के लिए साथ में किसी ऐसे को खड़ा करना पड़ता है जिसको देख के लगे कि हाँ इसके ऊपर कोई दूसरा जीत गया। एक आखिरी सवाल गौरव जी, क्या हमारा सपना आपको बिग बॉस में फिर से देखना एक सपना ही रहेगा कि हकीकत हो जाएगा? नहीं, आई थिंक जब मेरी कोई फिल्म रिलीज होगी और मैं वहाँ जाऊँगा तो। थैंक यू गौरव जी।